वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी जो है ना सनलाइट आ रही थी, मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बड़ी अच्छा लाइट, ये देखे ना यहाँ से सनलाइट आ रही है, मुझे बड़ी पसंद है सनलाइट। अच्छा तो अभी मैं उठी थी, मैंने कहा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा ऑफ है तो मैं मम्मा के साथ हूँ। अभी मम्मा को मैंने कहा कि मेरे लिए मज़े का जो है कोई नाश्ता वगैरह बना दे, क्योंकि मुझे मम्मा कहते हैं पराठा पसंद है, यू गाइज नो। और अभी मम्मा जो है मेरे लिए पराठा बनाएंगी यमी सा, और उनके साथ एक कोफ्ते, कोफ्तों के साथ पराठा और साथ चाय बना लेती हूँ। ये है कोफ्ते, उनके साथ होगा पराठा और साथ चाय। इतने नाश्ता बन रहे हैं, हम जरा बाहर का चक्कर लगाएं। अच्छी सी सनलाइट है और स्प्रिंग चल रहा है ना, तो मतलब काफ़ी अच्छा वेदर चलता है। अच्छा तो ये है कि आजकल के ये मौसम हुआ है कि सनलाइट है लेकिन गर्मी नहीं होती, शुक्र है। तो फल ऑफ सन इन विंटर्स नॉट इन समर्स। कहानियाँ नहीं है, आप लोगों को तो व्लॉग्स बोरिंग लग रहे होंगे ना, लेकिन मैं भी पूरी कोशिश करी हूँ कि अच्छा बने। उसके वो ज़रा झुकते वगैरह उसके साथ ज़रा व्लॉग फनी हो जाता है। ये क्या है, मैंने भी देखा है, आई थिंक ये डेड स्किन उतर रही है मेरी कोई, अभी मैंने देखा, खैर हट गई होगी। हाँ देखो देखते हैं, नहीं हटी, हाँ हट गई होगी। अच्छा अब हम अब चलते हैं अंदर मम्मा के पास। इतने मेरा नाश्ता बन रहा है, यू गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। यहाँ पे भी कोई चिड़िया आई है, यहाँ पे भी कोई बर्ड, यहाँ पे ना ये सारे यहाँ पे इनके घोंसले हैं और कबूतर के भी है। ये आ गया मेरी चाय, ये चाय आ गई हमारी। ये आ गया यम्मी सा पराठा, क्रिस्पी सा, मम्मा से बनवाया है मैंने। और यहाँ पे और बन रहे हैं, यहाँ पे ये कोफ्ते गर्म हो रहे हैं मेरे, ये गर्म हो जाए फिर हम इनको डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं। ओके हमने किया दानिया को वीडियो कॉल, एक मिनट रुको। हेलो एक मिनट, आपको बेड स्प्रेड आ गई दिखाती हूँ, रुको एक सेकेंड। ये देखो हमने ये बेड स्प्रेड आ गया हमारा, सही लग रहा है ना, है ना, कितना लेविश लग रहा है क्या। हाँ मतलब कंफर्टेबल है सोने में क्या। हाँ मजा आया। ओके ये हमारा नाश्ता आ गया। मैं जो है वो चिकन नहीं खाती, इसलिए बस मैंने अपने लिए वो सिर्फ ग्रेवी डाली है। ये मेरा पराठा है, ये बाकियों का है, और ये मेरी चाय आ गई। चलें अब नाश्ता करते हैं अपना। आई एम गोना टेक माय बाइट। अब्दुल्ला से आहिस्ता करो, बहुत दिखाओ, क्या देखते बस ना दिखाओ उसमें कल ये इतना मैं नहीं लगा। I don't understand लोग खाते हुए क्यों देखते हैं मेरा भाई खाना खाते हुए सीजन देखता है, तो ये इट्स बैड हैबिट, खाते हुए नहीं देखना चाहिए, पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं। व्लॉग करने से व्लॉग मैं खाते टाइम नहीं करी। ओके हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अभी मैं कराने लगी हूँ मम्मा से अपनी कटिंग, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया था ना मुझे एक फ्रेश कट चाहिए, बहुत स्ट्रेट हो गए हैं बाल, मैंने लेंथ बढ़ानी थी थोड़ी सी बढ़ गई है, बट आई वॉन्ट लेयर्स। मम्मा को बोलने का है कि अपनी मर्जी से जैसे अच्छे से कट करती है ना आप करते हैं। ओके मम्मा ने मेरी कटिंग तो कर दी है, लेकिन मुझे अब सेट खुद करना है, क्योंकि मम्मा को मम्मा कह रही है मैं थक गई हूँ, अब तुम अपनी सेटिंग खुद करो। इसको यहाँ पर रख देते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या रख देते हैं, मैं सेट करके ना आप लोगों को फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ओके सो हेयर इज माई हेयर कट, माई न्यू हेयर कट। ज़रा मैंने सम फ्रंट से बैंग्स रखवाए हैं, मम्मा ने बड़ी अच्छी सी कटिंग कर दी है, मुझे एक नया सा ना लुक मिल गया है। बहुत वो सीधे 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 रख रखे ना, मैं बोर हो चुकी थी। आई हैव गॉट माई न्यू हेयर कट, मुझे ज़रा ना अभी इनको कैरी करना नहीं आ रहा सही से, अभी मैं इसको अंदर जाके दोबारा से सेट करती हूँ, अभी आंखों में जा रहे हैं, और दानिया को वीडियो कॉल करते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या है। एंड हियर इट इज, ये फ्रंट से बस थोड़े से मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा इसकी कॉल आ गई है, इसकी कॉल आ गई है, इसको ना अपने बाल दिखाती हूँ और इसका रिएक्शन देखते हैं। हेलो देखो मेरी कटिंग कराई है क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या,
मेरी लग रही है, लग रही है। मेरी लग रही हूँ बुरी लग रही है बहुत क्यों हुआ? अच्छी लग रही है ये लेयर्स में करवाई है मुझे लगा कोई नहीं यार घर में कितना चेंज लग रही हूँ ना अल्लाह का वादा मैंने पहचाना पहचाना नहीं मुझे अच्छा है न्यू लुक क्या दानिया वो सीधी मांग से मैं ना तंग आ गई थी अपनी चिपके हुए बाल लगते थे देखो इधर इसमें वॉल्यूम आ गया अब देखो नीचे लग रही बहुत बुरा लग रहा है क्या मोन बाजी कह रही है अच्छी लग रही हूँ जब ऐसे कैचर करती हूँ फिर अच्छी लगती है मेरे को थोड़ा ऊपर कर कह रही पीछे से थोड़ा ऊपर कर इतने भी बुरे नहीं लग रहे यू लुक सो अजीब अब ठीक है नो अब तो बैंग्स हटा दिए आगे ये देख रही हो बस मुंह पे थोड़ा आने तंग कर रहे हैं बाकी सही ये खत्म होने वाले हैं ये देखो ये एक्ने खत्म हो रही है मेरी चलो नाइस यहाँ ड्राई है ना इसलिए हाँ शॉपिंग नहीं की बाजार नहीं गए शॉपिंग नहीं की आपने कहा अच्छा मैं और अम्मा जरा जा रहे हैं अच्छा मैं और अम्मा जरा बाजार जा रहे हैं मैंने कुछ चीजें भी लेनी है ठीक है चलो बाय बाय बाद में बात करते हैं मजा आने का बहुत बुरी लग रही है बेवा लग रही मम्मा क्या कर रहे थे इतने शौक से कटवाए अच्छे लग रहे हैं मम्मा एक नया लुक हो गया है चले कुछ दिन बड़े हो जाएंगे फ्रंट के नीचे लग रहे बाकी तो लेयर्स अच्छे लग रहे हैं शायद बैंग्स मैंने ज्यादा कटवा लिए तो हम जा रहे हैं बाहर हमारे कुछ सामान लेना था घर का और मैंने अपना नाइट सूट लेना है वो लेने जा रही हूँ बच्ची लग रही हूँ मैं छोटी ऐसे ठीक है लेकिन नहीं इससे और चंपी लगूंगी आई नीड टू डू समथिंग ओके ऐसे नहीं रखती चलो नो मैं क्या करूँ क्या बकवास बना लिया मैंने अपने आप को मम्मा कह भी रही थी छोटे ना करो तो जी फ्रंट से फिर भी मुझे पता नहीं क्या हुआ था बाकी लेयर्स तो अच्छी हैं ये पता नहीं मैंने क्या करवा लिया है हम निकल चुके हैं और मुझे धूप बहुत तंग कर रही है अगर मैं सनग्लासेस पहनूं सनग्लासेस में घर भूल आई हूं अपनी ओ शिट धूप बहुत लग रही है आंखों में बहुत धूप है आज हम आए हैं यहाँ पे समोसे खाने जो कि इस बच्चे ने इतना मुझे तंग किया है ना इस बच्चे ने इतना तंग किया लेके नहीं आ रहा हम कब से खड़े हुए हैं मैं इतने घंटे हो गए ना वेट कर करके ले आओ भाई अच्छा मेरी कचौरी मैंने अपने लिए कचौरी मंगवाई है इसको खाते हैं और बस फिर चलते हैं आगे चीजें लेने ओके ये फिनिश हो गया आ जाओ ये ले जाओ कितना हो गया बिल 220 Later that same evening. After a long day, हम घर आ चुके हैं मैं बहुत exhausted हो चुकी हूँ और हम घर आ चुके हैं बस गाड़ी को अंदर लगाते हैं Okay guys, I am back home. Oh my God, इसको हटाते हैं please. I am back home and I'm gonna show you guys something. मैंने अपने लिए एक चीज ली है बहुत cute सी It's basically a night suit. ये है और साथ इसके ये वाला ट्राउजर है पता नहीं आजकल बहुत क्यूट सा आ गया पहले आई वाज बाइंग पिंक लेकिन मेरे पास पिंक था तो इसके फिर मैंने ये वाला लिया मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ ये है इसका मेरा नाइट सूट ये वाली शर्ट है इसका ये कम्फी सा ट्राउजर है और अच्छा आ गया ना और ये मेरा हेयर कट है एंड दिस इज माय फाइनल आउटफिट ये लिया है मैंने और बाकी मम्मा ने कुछ सामान लिया है ये लिया है और आज तो मैंने कुछ नहीं लिया बस एंड दिस इज सो कम्फी बस अब मैं यही पहन के रखती हूँ और अब जो है हम चीज़ें थोड़ी समेटते हैं एंड व्हाट आई एम गोना डू और पानी पीती हूँ मुझे बहुत प्यास लगती है ओके अगेन आई एम मेकिंग माई सेल्फ रामेन बट गैस बहुत कम आ रही है जब भी मुझे भूख लग रही होती है गैस को ये होना होता है गाइज यू नो वॉट मैंने अपनी शर्ट के साथ देखो क्या कर लिया सारे वो जो बुनी होती सॉस नूडल्स वाली
वो गिरा दिया मैंने इन पे। मैं वॉश करने जा रही हूँ अपनी शर्ट को, देखते हैं इनके मिटता है कि नहीं। मिट जाएगा गाइस, नहीं हटा यहाँ से इसका दाग, देखना अल्लाह मैं क्या करूँ। शिट, मैंने क्या कर लिया अपने साथ। मेरे यहाँ पे नूडल्स भी रेडी हो चुके हैं, अब इनको लेके चल के खाते हैं, क्या करूँ आज। ओके गाइस, मैंने अभी अपना थोड़ा सा मेकअप किया है, तो ये मेकअप के साथ तो बैंग्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहले नहीं अच्छे लग रहे थे, और ये नूडल्स, और मैंने अपनी शर्ट खराब कर ली, अच्छी भली नई शर्ट में लेके आई, पता नहीं मुझे क्या चुलती, इनको बनाने गई हूँ और खराब हो गई। इतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आई लाइक माई लुक। ओके, तो यहाँ पे खाना भी बन गया है, मैं उसमें अपनी नूडल्स वाली प्लेट में थोड़ा सा खाना डाल रही हूँ क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा। ओके, मैंने खाना डाल लिया है, ये मैंने रायता इस पे डाल लिया है, ये मेरे राइस आ गए हैं। हम राइस ही खा रहे होते हैं ना, आप लोगों ने भी ब्लॉग्स में देखा होगा, वी लव राइस, मतलब राइस बनते ही बनते हैं हमारे घर में, वी आर राइस लवर्स। ओके जी, मैंने अपना खाना खा लिया है, इट वॉज रियली नाइस। ये जो शर्ट है मेरी, इसको मैंने धोया है, सब कुछ किया है, लेकिन इसका जो स्टेन है ना, इट्स नॉट गोइंग अवे। ये अभी तक यहाँ पे देखें, नूडल्स का सारा यहाँ पे, मेरी नई शर्ट पे स्टेन लग गया, मेरा क्या कसूर था। अभी इसको क्या करूँ मैं, इसका सारा खराब हो गया, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, शायद सेकंड वॉश में निकल जाए स्टेन इसका। ओके गाइज, मैंने बहुत ट्राई किया था कि इसके स्टेन्स मिट जाएं, लेकिन इसको ड्राई करके भी देखा है, स्टेन्स नहीं हट रहे, मतलब क्या कर सकते हैं। खैर, ये हो गया, अब व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर गाइज, बाय बाय।